एक क्वेश्चन भी है उत्तराखंड में, क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा लाल चावल कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, तो यही परोला में है भाई, परोला जो हमारा ब्लॉक है। दोस्तों जैसा कि पहुंच चुके हैं भाई हम खेत में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, ठीक है, ये है भाई सूंटे, और आप देख रहे होंगे दोस्तों इधर ये नालियां बनी हुई है, ये आप देखें ये नालियां जो है दोस्तों, इनमें टमाटर लगे हुए थे, अभी भी आप देख सकते हो इनमें झाड़ियां आप देख सकते हो, ठीक है, ये छोटी छोटी झाड़ियां, और इस पे ही टमाटर के बीच में दोस्तों सूंटे भी लगाते हैं, ये दाल होती है दोस्तों, ठीक है, और फिर हम उसको लगाते हैं, और टमाटर अभी तो निकल गए हैं देखो, और अभी ये सूटे बहुत प्यारे लगे हुए, आपको दिखाता हूँ। भाई अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश तो होने लग गई है, घर से तो चल दिए थे, और नहीं चलते दोस्तों तो गाली बहुत पड़ती है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ भाई कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलती है, तो काम करना पड़ता है भाई जो घर वाले बोलते हैं, तो घर वालों ने बोला था भाई कि सबसे पहले तुम्हारा यही काम है ये करके आओ, तो मैं और भाई आए हैं भाई, ठीक है, तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, और अभी भी भाई बहुत ज़्यादा सूटे लगे हुए हैं, बहुत पके हुए हैं, सारे निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या कहना पहाड़ों का, क्या कहना है बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना है बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों। मैं आपको बता रहा था दोस्तों, आपको याद होगा एक मैं पिछले ब्लॉग में बोल रहा था कि आपको बहुत प्यारी चीज दिखाऊंगा, जो हमारा सबसे बड़ा सेरा बोलते हैं दोस्तों गढ़वाली में, मतलब बहुत सारा जो बहुत ज्यादा खेत लॉट बोलते हैं जिसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। लाल चावल, सफ़ेद चावल, बहुत सारे कोदो, झंगोरा, आजकल सब कुछ होता है दोस्तों, तो ये आप देखो। तो जैसा कि भाई आपने देखा भाई मेरे पीछे, भाई आजकल इतने सारे नाज ही नाज भाई मेरे पीछे, नीचे तक बहुत दूर तक दोस्तों, मैं भी बीचों बीच हूँ, मतलब बीचों बीच थोड़ा ऊपर हूँ, इसलिए सब थोड़ा ज़्यादा दूर तक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत पीछे तक नीचे तक है दोस्तों, और सब में नाज है, लाल चावल, सफ़ेद चावल, ठीक है। अभी ये कुछ टाइम बाद निकलेंगे, तो मैंने बोला था जैसे कि पिछले ब्लॉग में, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दोस्तों बिल्कुल सब कुछ, और भाई खूबसूरती देखिए भाई पहाड़ की, ठीक है, और छोटा भाई भाई अपना लगा हुआ है काम करने पे, और मैं लगा हुआ भाई अपने काम करने पे, आपको पता है दोस्तों। और बाकी आप इधर देखो दोस्तों, आजकल घास भी लगा हुआ है हमारे जंगलों में पीछे, ये हरियाली आपको दिख रही होगी ऊपर ऊपर को, तो ये हमारे जंगल है दोस्तों, यहाँ पर हम घास काटेंगे, अब अभी ये बंद हो रखा है, जैसे मतलब 6 महीने बंद करते हैं ना दोस्तों, चौकीदारी लगाते हैं 6 महीने बंद करते हैं, तो वैसे ही 6 महीने के लिए ये बंद होते हैं, और जैसे ही 6 महीने बाद खुलते हैं दोस्तों, वैसे ही भाई इतना लंबा लंबा घास यहाँ पे बनता है, तो सब पूरे गांव के भाई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, इधर पे काट लेते हैं, ये पीछे जो ये जंगल दिख रहे हैं ना दोस्तों, इधर पे ही घास काट लेते हैं, क्योंकि बाद में खेतों का घास तो ख़त्म हो जाता है, तो जंगलों में बसता है तो काटते हैं, फिर वो काम आ जाता है हमारे 6 महीने के लिए, तो यही सब कुछ भाई पहाड़ में होता है, बाकी आप पहाड़ की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हो।
सा बहुत सारा कट्टा हमने भरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कट्टा, ये हमने भाई भर लिया है। और आपको याद होगा भाई बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे। एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं एक हरा सा दिखाऊंगा मैं आपको और आपको याद आ जाएगा इसको कैसे खाया जाता है। ये निकाला, ये क्या, ये और ये जो दाने आप देख रहे हो ना, ये दाने, इनको, इन दानों को खाया जाता है, हरे दानों को। और इनकी दाल बनाई जाती है, बहुत टेस्टी दाल होती है, सब लोगों को पता होगा वैसे। ठीक है, अभी भाई बारिश वही कंटिन्यू थोड़ी 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 हो ही रही है। तो यही है भाई, इसको बोलते हैं मालना सेरी, जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। मालना सेरी इसका नाम है दोस्तों, जैसे बताया ना भाई हर जगह नाम होता है। तो ये हमारी मालना सेरी है, सैनी सेराई, कमल सेराई में, हम जो हमारा इलाका पड़ता है कमल सेराई परोला उत्तरकाशी दोस्तों। तो बहुत प्यारी भाई हमारी ये इधर का सेराई है, सेराई के लोग हमें बोलते हैं कमल सेराई के। तो बहुत प्यारा माहौल है भाई इधर का, बहुत अच्छी जगह है इधर पे, ना कोई हाइट भी नहीं, इतनी सही जगह है मतलब। और दो खूबसूरत नदियाँ भी भाई इनके बीच में, ये प्यारा सा हमारे खेत और प्यारा सा हमारा गांव, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। तो अभी चलते हैं भाई घर। तो दोस्तों मैं रास्ते में घर की ओर जा ही रहा था भाई, तब तक मुझे दिखा भाई यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भाई कुणके बोलते हैं भाई इनको हम, ये कुणके बनाए हुए हैं भाई। और ये काटा हुआ है यहाँ पे धान, मैंने बोला था ना कि धान अभी कटेगा, तो कहीं कहीं पे कट गया है, जल्दी पक जाता है। वैसे जो ये होता है दोस्तों, ये सफ़ेद चावल होता है, ये जल्दी पक जाता है। तो इसको दोस्तों ना हम पैर से निकालते, पैर के नीचे से निकालते हैं, या फिर इसको झाड़ के भी निकालते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको भी झाड़ के निकालेंगे, अब ये काटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही कुणके बनते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया था उधर नीचे, जो हमारी बहुत बड़ी सेरी थी, उसमें जो धान है वो है लाल चावल। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं, जहाँ का, जहाँ हमारा ये इलाका पड़ता है परोला, इसको उत्तराखंड के लाल चावल का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा लाल चावल हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं दोस्तों, जहाँ से कि मैं बिलोंग करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड पहाड़ी इलाके के लिए, तो मैं बताना चाहता था आपको दोस्तों। ये क्वेश्चन भी है उत्तराखंड में, क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा लाल चावल कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, तो यहीं परोला में है भाई, परोला जो हमारा ब्लॉक है यहीं पाए जाते हैं। तो वो नीचे जो मैंने आपको क्यारी दिखाई थी भाई, सेरा दिखाया था, वहीं पे वो सारे लाल चावल है और वो निकलने वाले हैं भाई, लगभग 10-15 दिन बाद निकलेंगे दोस्तों। उसके बाद इनके ना बड़े बड़े कुणके बनाए जाते हैं, तो छोटे कुणके थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े कुणके बनाए जाते हैं। और उन बड़े बड़े कुणकों को पता कैसे निकाला जाता है दोस्तों, बैलों के नीचे निकाला जाता है भाई, 10-10 बैल, 15-15 बैलों के नीचे उनको निकाला जाता है। तो वो आपके लिए ब्लॉग बनेगा, बहुत प्यारा ब्लॉग बनेगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अभी चलते हैं भाई सीधे घर। तो हाँ जी भाई लोग, जैसा कि भाई अभी सीधे खेत से आपको दिखा रहा हूँ भाई स्टेडियम का सफ़र। और ये मैं आपको बताता हूँ, मैं आया था अभी चाचू के साथ थोड़ा डॉक्टर के पास। जैसा कि भाई आपने स्टेडियम देख लिया है, और भाई देखो मेरे भी आने का कोई मूड नहीं था, लेकिन चाचू के साथ डॉक्टर के पास आना पड़ा, और जिस वजह से भाई आपने ये भी देख लिया कि यहाँ पे गेम्स हैं और यहाँ पे इतना बड़ा स्टेडियम है भाई परोला का, ठीक है। मैं वैसे भी एक दिन सोचा था क्यों ना परोला की कुछ खूबसूरती आपको दिखाएं भाई, कुछ खूबसूरत चीज़ें यहाँ की दिखाएं, तो ब्लॉग बनाने की सोचा था अलग से। ये आप देख सकते हो भाई, ये है यहाँ का ट्रैक जो कि भाई बनाया है रनिंग के लिए, जिस पे कि भाई 100 मीटर, 200 मीटर और लगभग शायद 300 मीटर या 200 मीटर तक ही इस पे ट्रैक है ये लंबा। यहाँ पे रनिंग होगी, शॉर्ट रनिंग 200 या 300 मीटर की या 100 मीटर की, और बाकी ये गोले में भी बनाया गया है दोस्तों। काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है, आपको परोला का काफ़ी खूबसूरत व्यू भी देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप इधर इनकी ब्रीफिंग भी देख सकते हो, आज से ही शुरू हुआ है और अभी ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी थोड़ी सी फोटोग्राफी हुई है भाई, और आप सामने से एक बार फ्रंट व्यू देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं।
देखो भाई सब लोग फोटो खिंचाने में मस्त है भाई, मैंने भी एक दो टीचरों की फोटो खींची थी, सब लोग अभी फोटो खिंचाने में मस्त हो रखे हैं। और फिर मैं यहाँ पे गेम शुरू हो जाएंगे, जैसे जो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और इनकी ही रैली होने वाली है। और ऐसे ही ये मतलब दो तीन स्कूलों में कॉलेजों में ही रैली चलने वाली है। फायदा हुआ भाई चाचा के साथ हॉस्पिटल आने का, हॉस्पिटल भी दोस्तों इधर ही यहीं पर पीछे ही है। बाकी अब मुझे लगता है कि ब्लॉग में काफी कुछ दिखाने के लायक हो चुका है और इस ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहीं पे एंड। और आपको ऐसे ही मजेदार और आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ न कुछ ढूंढ के लाते रहता हूँ दोस्तों, और चाहता हूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। और अभी मैं जबकि ब्लॉग के पर्पज से नहीं आया था, मैं ऐसे ही आया था दोस्तों, लेकिन मैंने फिर भी सोचा आपके लिए क्यों नहीं एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करूँ।